रविपुष्य नक्षत्र में लाजवंती वृक्ष का पंचांग, जड़ पेड़ की लकड़ी, पत्ती, फूल और फल, इन्हें पंचांग कहा जाता है। इन्हें पीस कर छाया में सुखा लें। कोई व्यक्ति लापता हो गया तो उसके कपड़े में पोटली बनाकर छोटी सी बांध कर रखें। सुबह, दोपहर, शाम इस पर कोड़े बरसाएं, लापता व्यक्ति घर लौट आएगा। तंत्र के बड़े सटीक प्रयोग हैं। यदि आपको लगता है ज्योतिष विद्या गलत है तो रात 3-9 बजे हमारे भविष्य फल चैनल पर हम रोजाना लाइव होते हैं। यदि एक कॉलर को भी आप सुन लेंगे तो आप चमत्कृत रह जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार जुड़िए जरूर। रविपुष्य नक्षत्र में सफेद आंकड़े की जड़ लाकर द्रव्य के साथ रखने से मनुष्य को अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यदि आपको लगता है कि ज्योतिष विद्या गलत है तो हमारे लाइव कार्यक्रम को आपने फिर देखा नहीं। रात्रि 9 बजे एक बार हमारे लाइव कार्यक्रम के एक कॉलर को सुन लीजिए, सिर्फ एक कॉलर को। हमारा दावा है आप जिंदगी भर हमसे जुड़कर रह जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। 5 बत्ती का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं। सुबह सुबह आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी, संकटों का निवारण होगा। ऐसी गूढ़ जानकारी आपको रोजाना हमारे लाइव कार्यक्रम में रात्रि 9 बजे प्राप्त होती है इसी भविष्य फल चैनल पर। आपको लगता है कि ज्योतिष विद्या गलत है तो फिर आपने हमारे लाइव कार्यक्रम को नहीं देखा। यदि आपने हमारे लाइव कार्यक्रम में रात्रि 9 बजे जुड़कर एक कॉलर को भी सुन लिया तो आपका भ्रम टूट जाएगा कि ज्योतिष विद्या गलत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवती दुर्गा जी को 5 लाल गुलाब के फूल चढ़ाने से आपकी सारी की सारी बाधाएं दूर होती हैं। आपको लगता है कि ज्योतिष विद्या गलत है तो निश्चित रूप से आपने हमारे लाइव कार्यक्रम को कभी नहीं देखा। एक बार रात्रि 9 बजे से भविष्य फल चैनल पर लाइव कार्यक्रम में जुड़कर किसी एक कॉलर को सुन लीजिए, जो कि आप में से कोई भी हो सकता है। आपके भ्रम टूट जाएंगे कि ज्योतिष विद्या गलत है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर से निकलते समय यदि उल्टा स्वर चल रहा तो पहला उल्टा पैर बाहर निकालें, सीधा चल रहा तो सीधा पैर पहले बाहर निकालें, आपको सफलता मिलेगी। आपको लगता है कि ज्योतिष विद्या गलत है, हो सकता है आपका किसी ज्योतिषी से पाला न पड़ा हो। हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़कर रात्रि 9 बजे से भविष्य फल चैनल पर एक कॉलर को यदि आप सुन लेंगे तो आप जिंदगी भर मानेंगे कि ज्योतिष विद्या सही है, सही है, सही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।